पहले से तो हम बोले थे कि यहाँ भर्ती नहीं होना है। भलुआ के सेक्रेटरी साहब हैं तो वो बोले कि आप राकेश पटेल के यहाँ हॉस्पिटल में चले जाओ और आयुष्मान से दवाई होगी। आयुष्मान के अलावा जो ज्यादा खर्चा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 हजार लगेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं 50 हजार दूंगा, अभी बाकी लड़कों को बच्चों को पढ़ाने का जो है तो वो दे दूंगा। कि मतलब ऑपरेशन के जब 8:30 बजे 15 डॉक्टर है उसी समय कहानी खत्म हो गई। केवल उनको इधर उधर भटका के अभी तक मेरे को रखा गया है वेंटिलेटर के चलते। रीवा में कुकुर मुक्तों की तरह फैल चुकी निजी अस्पतालों की श्रृंखला में एक और मरीज आज मौत की नींद सो गया है। बता दें कि इन अस्पतालों में जीवित हालत से सौदा शुरू होता है जो मरने के बाद भी लगातार जारी रहता है, जिसका आज जीता जागता उदाहरण आज रीवा के विहान हॉस्पिटल में देखने को मिला। दरअसल यहां एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन के बाद से ही महिला की हालत बिगड़ी थी, जिसे वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद भी उनसे पैसों की मांग की जा रही थी और पैसा मिलने की उम्मीद जब खत्म हो गई तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। गौरतलब है कि अपने पैरों पर चलकर आई एक महिला अब 4 कंधों में अपने घर वापस जा रही है। बताया गया कि जिस महिला की मौत हुई उसके पति की मौत पहले ही हो चुकी है और अब उसकी मौत के बाद उसके 2 मासूम बच्चे अनाथ हो चुके हैं। मृतका के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने महिला के जीवन की कीमत 50 हजार लगा दी। घटना के बाद हंगामे की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर साहब ने अपने घर में परिजनों को बुलाकर मीटिंग ली और उन्हें 50 हजार रुपए का ऑफर दे डाला। हालांकि इन अस्पतालों की शाखाएं गांव-गांव तक फैली हैं, जिसके कारण गाहे बगाहे इनके चक्कर में लोग फंस जाते हैं। शायद भलुआ निवासी माधुरी पटेल के साथ भी यही हुआ। उसे पथरी के ऑपरेशन के लिए गांव के ही एक सेक्रेटरी के द्वारा इस अस्पताल में भेजा गया। जब वह अपने पैरों पर चलकर यहां अस्पताल आई, यहां मृतका के भाई मनीष पटेल ने बताया कि उनकी बहन 9 मई को अस्पताल में अपने पैरों से चलकर पहुंची थी, जहां उसके पथरी का ऑपरेशन होना था। शाम को जब उसका ऑपरेशन हुआ तभी से उसकी हालत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने उसे वेंटिलेटर पर रखा। इसके बाद परिजनों से यह कहा गया कि 2.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, बाकी का पैसा अब नकद देना होगा। परिजनों का आरोप है कि वेंटिलेटर में जाने के बाद बार बार वह उसके स्वास्थ्य के बारे में जानने का प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया और जब पैसों की मांग पूरी नहीं हुई तो आज उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के भाई ने बताया कि महिला की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन यहां केवल पैसों के लिए लाश का इलाज किया जा रहा था। हालांकि अब महिला की मौत के बाद 2 बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनके लिए डॉक्टर साहब 50 हजार देने को तैयार हैं, तो वहीं परिजन उनके भविष्य को लेकर चिंतित है। मेरी सिस्टर है जी, काहे के लिए लाए नहीं था, पथरी का ऑपरेशन कराने। पथरी कहाँ से उनको? पथरी एक तो किडनी के बगल में थी, पेट थे और यूट्यूब में थे कहीं। इस दौरान उनकी मौत हो गई तो डॉक्टरों ने क्या कहा आपसे, कैसे खत्म हो गई? डॉक्टरों ने बोला कि हमने ऑपरेशन किया तो सब सही सलामत था, उसके बाद उठी मतलब बोली वोली सब कुछ सही था। उसके बाद करीबन 8:30 बजे करीबन इनके पास 15 डॉक्टर आए, हालत गंभीर हो गई। उसके बाद इसने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, आईसीयू के बाद अभी तक उसी वेंटिलेटर में रखे रह गए। उसमें मैं रोज़ यही पढ़ा दिया जाता था कि कहीं ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कहीं हार्ट अटैक मार दिया, यही रोज़ बहाना मारा जाता है। ऑपरेशन कब हुआ? ऑपरेशन हुआ है करीबन 10 तारीख को। 10 तारीख को हुआ, उसके बाद वेंटिलेटर में। हाँ, वेंटिलेटर में। क्या बता रहे थे कि हार्ट में आया फिर? हाँ ये बता रहे थे कि मतलब हार्ट मार दिया, अकी के कहीं बहाना मार गया, मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा है, यही सब बोलते रह गए। अभी आप लोग उनसे मिलने गए थे, आपको बुलाया भी गया था, तो क्या आश्वासन दिए, क्या पैसा, कितना पैसा दे रहे हैं? वो मेरे को बोले 50 हजार तुम ले लो और वो लेके चले जाओ अपनी गाड़ी, मैं भिजवा दे रहा हूँ अपनी गाड़ी से, मैं पर्सनल। ये बोले 50 हजार ले लो चले जाओ? हाँ, मैं छोड़वा देता हूँ एम्बुलेंस से बोल के। कौन कह रहा है ये? राकेश पटेल सन्नी है, डॉक्टर साहब। बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे? बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन क्या है कि 5वीं से ऊपर तो पढ़ने लायक है नहीं, लड़की शादी करने लायक है, ये है।
तो मतलब 50,000 में आपको ये बोल रहे कि आप यहाँ हाँ आप ही जो हुआ भूल जाओ। हाँ जो हुआ भूल जाओ, नहीं है। और क्या है कि एकदम बच्चे अनाथ हो गए, कोई नहीं है उनके पास, आगे पीछे कोई नहीं। दो बच्चे हैं उनसे? दो बच्चे हैं, यही है सर। अभी अभी आपका क्या मानना है कि मतलब ये सही हुआ आपके साथ? नहीं, ये गलत है। मेरा मानना जो है तो उन्हें 10 लाख रुपए दे दें, मैं हमेशा के लिए उनको छुट्टी छोड़ देता। मतलब आप भी चाहते हैं कि 10 लाख रुपए दे देंगे? हाँ भाई, उनको परवरिश करने के लिए चाहिए ना मेरे को। अब उनके आगे पीछे ये बात रखी होगी, अंदर जो मीटिंग हुई होगी, जी उन्होंने पैसा देने के लिए स्वीकार कर लिया कि पैसा दे? नहीं, उनको क्या असिस्टेंट जो था वो बोला कि ये आप डिमांड रख रहे हैं, फिर मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। डॉक्टर साहब ने 50 देने के स्वीकृति कर ली है? 50 देने के लिए उन्होंने बोला कि मैं 50,000 दूंगा अभी, बाकी लड़कों को बच्चों को पढ़ाने का जो है तो वो दे दूंगा, बाकी कुछ नहीं। तो अंदर कितने लोग गए थे, तो क्या मतलब नेता जी भी थे आपके साथ में, तो क्या बोले कि भाई बच्चों के लिए चाहिए ये चाहिए? नहीं, नेता जी ने जो बोला तो स्वीकार कर रहे हैं डॉक्टर साहब, गलती हुई? नहीं, वो बोल रहे हैं अपनी गलती, मेरी गलती कोई नहीं है। हाँ। मैं जो दे रहा हूँ ये अपने साक्षा से दे रहा हूँ बस, वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गलती स्वीकार नहीं कर रहे? पत्थरी का ऑपरेशन किए थे? हाँ। उसके बाद हार्ट और हार्ट आया, फिर माइंड ब्रेन में काम करना बंद कर दिया। ये कहना कि ऑपरेशन के बाद से वेंटिलेटर में रखे थे? हाँ। क्या ये पॉसिबल है क्या कि पहले ही कुछ हो गया हो? हमको तो ये 100% पॉसिबल है कि मतलब ऑपरेशन के जब 8:30-15 डॉक्टर आए उसी समय कहानी खत्म हो गई, केवल उनको इधर उधर भटका के अभी तक मेरे को रखा गया है वेंटिलेटर के चलते। आज बता दिए कि ऐसा हो? हाँ, आज मेरे को रात में परेशान किए, करीबन 100 बार फोन लगाए कि आपका मरीज की हालत गंभीर हो रही है, वो है, फिर मेरे को बोले सुबह पता चली कि मरीज खत्म हो गया। क्या नाम था उनका? खत्म माधुरी पटेल, निवासी ग्राम भलुआ। आपको डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आए, वहाँ बुलाए थे अपने जी? अब डॉक्टर साहब को यहाँ, मैं यहाँ बोल रहा था आने के लिए लेकिन यहाँ नहीं आए, वो अपने घर बुलाए। वही बात? हाँ वही बात हुई। महन पटेल, घटना यहाँ पहले से तो हम बोले थे कि यहाँ भर्ती नहीं होना है, तो उन्होंने बोला कि मतलब भलुआ के सेक्रेटरी साहब हैं, तो वो बोले कि आप राकेश पटेल के यहाँ हॉस्पिटल में चले जाओ और आयुष्मान से दवाई होगी, आयुष्मान के अलावा जो ज़्यादा खर्चा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4,000-5,000 लगेगा, और 4,000-5,000 जो लगेंगे तो उतना सह सकते हो? तो बोली कि हाँ, इसके अलावा जो भी पैसा लगेगा वो पूरा सेक्रेटरी साहब बोले थे कि हम देंगे। हैं, इसके बाद भर्ती हो गई। उनके कहने पे यहाँ लाके भर्ती कर? हाँ, उनके कहने पर भर्ती हुई हैं, और भर्ती होने पर स्वयं वही भर्ती जिम्मेदार मौके में वही भर्ती है, अम्मा थी उनकी, और इसके बाद भर्ती हो गई। भर्ती होने के बाद हो गया ऑपरेशन, हुआ ऑपरेशन होने में उनको पहले मतलब होश थी, हैं, इसके बाद फिर जैसे ऑपरेशन हो गया उसके बाद एक उनका बेहोश हो गया, बेहोश होने के बाद वो बिल्कुल होश में आई नहीं। हाँ, इसके बाद एक दो दिन रखे रहे और वहाँ किसी को परिजन को जाने नहीं देते थे, परिजन को जानकारी कुछ नहीं थी, वहाँ बोले कि दवा हो रही है, दवा कुछ नहीं हो रही थी, और इसके बाद दो दिन बाद बोले कि 2.5 लाख रुपए की दवाई हो चुकी है, उसके बाद कुछ ना कुछ पैसा यहाँ जमा करवाओ, और नहीं इसके बाद दवाई ना हो पाएगी और पैसा नहीं जमा करवाओ। वेंटिलेटर में रखने के बाद भी पैसा मांग रहे? हाँ, तो ये बोला गया कि वहाँ यहाँ कोई नहीं था, तो हम बोले कि भाई जो भर्ती करवाए हैं उनको बुलवाइए, अब वही उनको मालूम है कि क्या कैसे बात किए, वो आए हैं, वो बताएं कि मतलब पैसा में भर्ती करवाए थे कि आयुष्मान से भर्ती हुए थे, कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, जो भर्ती करवाए उनको मालूम है, तो उनको बोले कि मतलब सेक्रेटरी साहब को बुलवाइए, सेक्रेटरी साहब आए तो वो बताएं कि मतलब क्या कैसे कितना पैसा देना है नहीं देना है, आयुष्मान से होना है। कुल मिला के आप लोग पैसा नहीं दे पाए, उसके बाद आपको कब पता है कि वो खत्म हो चुकी है? खत्म तो अपने को तो नहीं पता है, पर ऐसा लगता है कि उसी दिन वो खत्म हो चुकी है, ये गुमराह रखे थे सब।
चार दिन पैसे के लिए रखे थे? हाँ, चार दिन ये सब पैसे के लिए, कुछ सही जानकारी ये बता नहीं रहे थे। और उसी दिन से मतलब थोड़ा सा भी जानकारी ली जाती थी कि क्या इनके होश क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, तो यही बताते थे कि कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर उसके बाद दो तीन दिन बाद बोले MRI कराएंगे, MRI भी नहीं करवाए। फिर तो भी एक बार दो दिन तड़काए, मतलब वेंटिलेटर निकाले कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं निकाले। तो इको करवाए थे? इको जांच बोले परसों कल को बोले कि इको कोई जांच बोले कि करवाए हैं, उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। तो हम बोले कि भाई इको जांच तो करवाएं, पर बोले आपकी MRI करवाएंगे, MRI तो नहीं हुई कहीं।